वी आर गोइंग टू लर्न डिविजन बाय 10। बच्चों अभी तक हमने जितने भी सारे टॉपिक जो पढ़े हैं इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था डिविजन विद रिमाइंडर, हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो डिविजन विद रिमाइंडर था। तो ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। इसमें आपको क्या करना है, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, जब एक नंबर 10 से डिवाइड होता है, द क्वोशेंट इज ऑब्टेन बाय द रिमूविंग यूनिट डिजिट फ्रॉम द नंबर। तो इसमें जो क्वोशेंट मिलता है वो क्या मिलता है कि ये जो यूनिट डिजिट होती है उसे रिमूव करके जो हमें क्वोशेंट मिलता है। द डिजिट एट वंस प्लेस, द डिजिट एट वंस प्लेस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वंस प्लेस पर 69 में जो ये डिजिट है ये वंस प्लेस पर है, इज द रिमाइंडर। और ये जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है ये हमेशा जो है रिमाइंडर बचती है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करके देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप ये देखिए, ये आपका 69 है और 69 को आपको 10 से डिवाइड करना है। तो आप 10 पे टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे, 6 टाइम रीड करेंगे, क्योंकि 10 सिक्स 60 होता है। आप यहाँ पर 60 लिख दिया, आप 69 में से आप 60 माइनस करेंगे तो 9 जो है वो नीचे बचेगा और आगे कोई डिजिट है नहीं, तो 9 क्या बच जाएगा, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है वो हमेशा रिमाइंडर बचती है, फिर चाहे वो टू डिजिट नंबर हो या फिर वो 3 डिजिट नंबर हो। इसे भी देखेंगे, अगर हम 10 से 3 डिजिट नंबर है 264 को डिवाइड करते हैं, तो पहले हम 10 के टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 10 टू 20 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर हम दोबारा से 4 जो है वो नीचे उतार लेंगे और 10 का टेबल फिर हम 6 टाइम पढ़ेंगे, तो ये 10 6 60 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा 4, और 4 क्या होगा रिमाइंडर, क्योंकि 4 जो है वंस प्लेस पर है तो इसीलिए रिमाइंडर क्या बचा 4। क्वेश्चन क्या आ गया 26, जैसे कि इसमें लिखा था आंसर आपका वही आता है, बट एक यूनिट डिजिट जो होती है वो रिमूव हो जाती है, ये यूनिट डिजिट जो होती है लास्ट वाली ये रिमूव हो जाती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी जो एक्सरसाइज है 6.8 वो इसी मेथड पर बेस्ड है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है जो भी आएगा, जो ये ऊपर लिखा है, और फिर आपको रिमाइंडर लिखना है यहाँ पर, जो नीचे आपका वन डिजिट बढ़ जाएगी, जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो नीचे बचेगी, वो आपको रिमाइंडर में लिखनी है। तो आपकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 6.8 ये आपको नोटबुक बुक में ही फिल करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस।